Hey guys, welcome to my channel, The Punjaban Beauty. So friends, आज का वीडियो होने वाला है एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो कि निधि कटियार जी से इंस्पायर्ड है. ये मेरा सेकेंड वीडियो है निधि कटियार जी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक. सो इससे पहले भी एक वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो मैंने कुछ ऐसा लुक क्रिएट किया है उनसे इंस्पायर्ड होके. आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरे पास उनके जैसा ड्रेस नहीं था तो मैंने यही पहन लिया. सो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ निविया क्रीम से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा थिक क्रीम है और हमारे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और हाइड्रेट भी रखती है. और अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करने के लिए मैं सेम निविया क्रीम को ही अपने लिप्स के ऊपर भी अप्लाई कर लूँगी. प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे मालियो का इनफॉलेबल मैटिफाइंग बेस प्राइमर ले रही हूँ. इसको मैंने कफ्स एंड लैशेस से बाय किया है. ये एक बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस प्राइमर है जो हमारे मेकअप बेस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है और मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है. सो इसको मैं अपने टी जोन पर फोकस करते हुए पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी. फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन. इसको मैं अपने बैक ऑफ दी हैंड के ऊपर लेके डॉट डॉट करके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी. और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जेनरिक का फ्लैप टॉप ब्रश, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. सो इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी. वैसे अगर आपको एक फ्लॉलेस मेकअप बेस चाहिए तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ सो इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. उसके बाद मैंने देखा कि निधि कटियार मैम ने वीडियो शुरू करने से पहले ही इयररिंग पहने हुए थे, सो मुझे याद आ गया तो मैंने फटाफट से अपने इयररिंग पहन लिए. मांगटिका मैं बाद में पहनूंगी. उसके बाद कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओलिविया का पैन स्टिक कंसीलर, जिसमें मेरा शेड है 01. इसको भी मैंने कफ्स एंड लैशेज से ही बाय किया है. सो इसको मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करूंगी, अपने अंडर आई पर और आईलिड पर, नोज पर, फोरहेड पर और चिन पर. और इसको भी मैं सेम ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. इस वाली पेन स्टिक का रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ. अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके बाद मैं अपने पूरे मेकअप बेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप क्रीज ना कर जाए. मेन फोकस मैं अपने आईलिड के ऊपर और अंडर आई पर करूँगी, जहाँ पे मेकअप क्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इसलिए मैं अच्छे से पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी. उसके बाद चलते हैं अपने आई मेकअप की तरफ. सो मैंने यहाँ पे शिवाना की मेकअप स्टूडियो पैलेट में से ये वाला ब्लश शेड को लेके एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज लाइन के ऊपर, बिकॉज निधि कटियार जी ने भी एक ब्लश को ही एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था, तो सेम मैं भी वैसा ही कर रही हूँ. इससे मैं अच्छे से अपने क्रीज को बिल्डअप कर लूँगी. आई शेडो के लिए मेरे पास ये मिस गोल्ड की आई शेडो पैलेट है, जिसमें से मैं ये वाला पर्पल कलर को लेके अपने आईज़ के आउटर वी के ऊपर अप्लाई करूँगी और इसको अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी. ये वाली पैलेट मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ करी है. इसमें काफ़ी सारे कलर मुझे मिल गए थे. देन मैं एक ब्लू कलर को लेके अपने आईज़ के इनर कॉर्नर से लेके हाफ ऑफ द लिड तक अच्छे से अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर लूँगी. और उसके बाद मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी ये वाले लूज पिगमेंटेशन जो मुझे लोकल मार्केट से ही मिल गए थे. सो इसको मैं थोड़े से कलर को लेके अपने आईज के इनर कॉर्नर से हाफ ऑफ द लिड तक अप्लाई करूंगी. ये बहुत ही अच्छे ग्लिटर हैं और इजीली टिक गए थे. मुझे लगा था कि ये कहीं फॉल आउट ना हो जाएं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए ये वाले ग्लिटर्स. देन लाइनर के लिए मैंने लिया है लैक्मे का इंस्टा लाइनर. इसको मैं एक बेसिक सा लाइनर ड्रॉ करूँगी. उसके बाद काजल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है NYB का द बिग एप्पल ऑफ माई आई काजल. ये एक बहुत ही अच्छा काजल है. इसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, जो मैंने अप्लाई कर लिया है. देन कॉन्टोरिंग के लिए मैं सेम शिवाना की मेकअप स्टूडियो पैलेट में से कॉन्टोरिंग वाला शेड लेके अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी. उसके बाद ब्लशर के लिए मेरे पास है यहाँ पे मैक का ब्लशर, जिसमें दो शेड आते हैं. इसमें से मैं ऑरेंजी पीची वाला शेड पिक करूँगी और इसको अप्लाई करूँगी एज अ ब्लशर. बहुत ही लाइट ब्लश अप्लाई करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस के ऊपर. हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे मेरा फेवरेट शिवाना शिमर ब्रिक हाइलाइटर इन दी शेड 02 पिक किया है. ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला हाइलाइटर है और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस के मेन पॉइंट्स पर, जहाँ पे हाइलाइटिंग की जाती है. ये एक बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, एक सटल ग्लो देता है, बिल्कुल भी चंकी ऐसा नहीं लगता है. सो इसका भी रिव्यू ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर. अगर हम चाहें तो वो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं.
उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैंने लिए हैं मी नाउ के सुपर मैट जनरेशन 2 के लिप कलर्स। इसमें से मैं दो शेड को मिक्स करके अप्लाई करूंगी। सबसे पहले मैं ये मेजेंटा क्वीन शेड को अप्लाई करूंगी अपने लिप्स के ऊपर, देन उसके बाद मैं ये वाला एक न्यूड शेड को इसके ऊपर ही अप्लाई करूंगी ताकि एक डिफरेंट सा शेड बन जाए। सो कुछ ऐसा शेड बन गया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देन उसके बाद अपने ब्रोज को फिल इन कर रही हूँ मैं ये फैशन कलर की ब्रो पेंसिल लेके। इसको भी मैंने कर्व्स एंड लैशेज से ही परचेज किया है। ये वाली ब्रो पेंसिल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। आप दोनों ब्रोज में डिफरेंस देख सकते हैं, सो इसलिए ब्रोज को फिलअप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज ये एक हमारे मेकअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद मैं अपने ब्रोज को सेट कर लूंगी। सेम पेंसिल में एक ब्रश भी आता है, उसकी हेल्प से मैं अपने ब्रोज को सेट कर लूंगी। उसके बाद मैं अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ मेरा DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है। देन मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। उसके लिए मैंने लिया है ये मालियो का कैलोसल मस्कारा। उससे पहले मैं अपनी लैशेज को कर्ल कर लूंगी आईलैश कर्लर की हेल्प से। देन उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं फॉल्सेस अप्लाई करूंगी ऑफ कैमरा, बिकॉज में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। सो यस, फॉल्सेस अप्लाई कर ली है मैंने, मांग टीका भी अप्लाई कर लिया है, इयर रिंग ऑलरेडी पहने थे, देन हेयर स्टाइल भी मैंने बना लिया है, साइड बन बनाया है जैसा कि निधि मैम ने बनाया था। सो यस, हेयर इज माई फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा आज का मेकअप अच्छा लगा होगा। मैंने काफी कोशिश करी है सिमिलर करने की, बट कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड आई विश कि निधि मैम मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें। सो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।